हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ ऐसे मिस्टेक, मतलब कि गलती, जो अमीर लोग अगर करते हैं तो वो और अमीर बन जाते हैं, अगर गरीब लोग करते हैं तो दोस्तों वो और गरीब बन जाते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू इंटरनेट, मतलब कि दोस्तों बड़े और बुद्धिमान लोगों के हिसाब से और इंटरनेट के हिसाब से यहाँ पर बताया जा रहा है कि पुअर पीपल में और रिच पीपल में क्या डिफरेंस है और क्या है उनके पास जो उनको और डिफरेंट बनाता है गरीब लोगों से और अमीर लोगों से। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, यहाँ पर देख सकते हो, पुअर पीपल हैव बिग टीवी, मतलब कि दोस्तों जो गरीब आदमी हैं उनके पास बड़े बड़े टीवी रहते हैं, क्योंकि उनको क्या चाहिए होता है, इंटरटेनमेंट, इंजॉयमेंट, ये भी सब चाहिए होता है यहाँ से, ये जो बताया जा रहा है। उसके बाद यहाँ पर बताया जा रहा है कि रिच पीपल हैव बिग लाइब्रेरी, मतलब कि दोस्तों जो बड़े बड़े लोग होते हैं, जो पैसे वाले लोग होते हैं, उनके पास बिग लाइब्रेरी होता है। अब बिग लाइब्रेरी का मतलब क्या हो चाहिए होता है उनको, उनको नॉलेज चाहिए होता है, टाइम चाहिए होता है, चाहे जो भी हो दोस्तों, तो वो अपने आप को ग्रो करने में, टेक्निकली ग्रो मतलब कि ह्यूमन असेट चाहिए दोस्तों। अगर ह्यूमन असेट आपके पास एक बार आ गया ना, तो पूरा दुनिया को आप जीत सकते हो। अब ये कौन है जान लेते हैं दोस्तों। इनका नाम है वॉरेन बफेट। हालांकि सब लोगों को पता है, लेकिन सब लोगों को नहीं पता। अब ये क्या बात हुई कि पता भी है नहीं पता, पता ये है लोगों को कि इनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है। जो पैसे के ऊपर फोकस कर रहे हैं उनको ये पता है कि इनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, ठीक है। इन्होंने दोस्तों, अगर हम सही से बोले तो इनको बोला जाता है शेयर मार्केट का जादूगर, मतलब कि दोस्तों अगर ये जो भी स्टॉक खरीद लेते हैं ना, तो उनका प्राइस इंक्रीज होना ही होना है। तो क्यों नहीं, हम देखना चाहते हैं कि क्या है इनके पास जो हमारे पास नहीं है, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लॉस, जिनको बहुत ज्यादा बड़ा बड़ा लॉस होता है, जिनको मतलब लूट जाते हैं शेयर मार्केट में, अगर सीधी भाषा में बोले जाए तो, ठीक है। लेकिन क्या है इनके पास जो इन्होंने बहुत ज्यादा शेयर मार्केट से पैसा कमाया, इनके पास जो है शायद हमें कभी मिलेगा, वो क्या है दोस्तों, यहां पर देख सकते हो, वॉरेन बफेट यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, स्पेंड 5 to 6 आवर ए डे रीडिंग, मतलब कि दोस्तों 5 to 6 आवर, यहाँ पर प्लीज हाईलाइट करने वाला चीज है, प्लीज यहाँ पर मैं हाईलाइट करता हूँ, ठीक है। 5 to 6 आवर ए डे, मतलब कि एक दिन में 5 से 6 घंटा ये निकालते हैं, किस लिए, रीडिंग न्यूज़पेपर, मतलब कि दोस्तों न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए ये 5 से 6 घंटा निकालते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों 500 पेजेस, मतलब कि और 500 पेजेस जो हैं वो बुक पढ़ते हैं, मतलब कि इन दिन में कितना टाइम होता है दोस्तों, हम ज़्यादा से ज़्यादा 8 घंटे तक काम करते हैं, जो लोग नौकरी वाले हैं जो भी है 8 घंटा काम करते हैं दोस्तों। अगर हिसाब से देखा जाए तो ये 8 घंटा पढ़ाई ही कर लेते हैं। कौन है वो, क्या नाम है उनका, वॉरेन बफेट, जिन्होंने दोस्तों शेयर मार्केट से सबसे ज़्यादा पैसा कमाया, ठीक है। उनके साथ यहाँ जो बैठे हैं वो भी दोस्तों बहुत बड़े इंसान हैं, ठीक है, उनका नाम है बिल गेट्स। अब वो क्या करते हैं, जो वो भी बहुत बड़ा अमीर है, क्योंकि हम क्या करते हैं दोस्तों, हमें क्या चाहिए, बड़े लोग जैसे अंबानी लोग, अडानी लोग, क्या उनके पास पैसे चाहिए, तो हमें क्या चाहिए, हमें भी पैसे चाहिए। लेकिन पैसे के पीछे जो उन्होंने स्ट्रगल किया, वो स्ट्रगल को हम नहीं देखना चाहते हैं, ना ही वो स्ट्रगल को अपनाना चाहते हैं। और दोस्तों देखो, दो तरह की पत्थर होती है, एक जो पत्थर होती है उस पर छेनी और हथौड़े से इतनी जो है पिटाई की जाती है, तब वो एक मूर्ति मतलब कि भगवान के रूप ले लेता है, और उनको जो है लोग आते हैं, पूजा करते हैं, प्रसाद चढ़ते हैं। लेकिन एक और पत्थर होता है दोस्तों, जो छेनी और हथौड़ी का भार नहीं सह पाता है, तो उसके ऊपर हर एक, वो भी मंदिर में ही रखा जाता है, और उसके ऊपर जो है हर एक 5 मिनट के बाद लोग आते हैं और नारियल फोड़ते हैं, एक को पूजा किया जा रहा है और एक को मारा जा रहा है। तो वो क्या है, फर्क है, एक ने क्या किया दोस्तों, छेनी और हथौड़े का क्या, भार सह लिया, उनको जो पेन होना था, जो दर्द होना था, उसने सह लिया वो पत्थर, और उसको क्या फल मिला, तो वो भगवान का रूप हो गया, मतलब भगवान का रूप मतलब उनको जो है पूजा किया जा रहा, और एक को जो है हर एक 5 मिनट के बाद आगे बजा दिया जा रहा है, ले घंटा बजा दिया जा रहा है उनको, ठीक है। तो इनका क्या हैबिट था वो भी देख लेते हैं दोस्तों, यहां पर देख लेते हैं, बिल गेट्स के पास आ जाते हैं, भाई आपके पास क्या था जो हमारे पास नहीं है। तो इनके पास ये था दोस्तों कि ये 50 बुक रीड कर लेते थे, 50 किताब जो है पढ़ लेते थे, 50 बुक्स पढ़ लेते थे, वो भी एक साल के अंदर, 1 साल के अंदर 50 किताब पढ़ लेते। अब बताइए, यहां पर देख लो, ये है शेयर मार्केट के बादशाह। अब हमारे पास कौन सी ऐसी हैबिट है जो हम कर लेते हैं, हमें क्या चाहिए होता है, पैसे चाहिए होता है दोस्तों। एक चीज याद रखो, पैसे से पैसा नहीं बना सकते, पैसे से पैसा नहीं बना सकते, वन मोर टाइम, पैसे से पैसा नहीं बना सकते, पेशेंस से पैसा बना सकते हैं, नॉलेज से पैसा बना सकते हैं, अपनी काबिलियत से पैसा बना सकते हैं, अपना स्किल, अगर आपके पास स्किल है तो पैसा बना सकते हैं, लेकिन पैसे से पैसा नहीं बनाया जा सकता। ये जो दिख रहा है दोस्तों, ये इंसान, इनका नाम है वॉरेन बफेट, जब ये छोटे थे ना, बच्चे थे ना, तो ये न्यूज़पेपर सेल किया करते थे, बहुत सारे छोटे छोटे काम किया करते थे, मतलब ये गरीब थे,
ऐसा है दोस्तों। और सोचो आज हमारे पास क्या नहीं है, आप खुद पूछिए अपने आप से, अगर आप शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो तो कितना इन्वेस्ट किया आपने, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख इन्वेस्ट किया है ना आपने। 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख आपके पास है, इनके पास 5 रुपया नहीं होता था, जिनके पास आज इतनी बड़ी रकम है जो हम काउंट नहीं कर सकते, यहाँ तक कि हमारा मतलब एक गाँव ले लो तो वो भी काउंट करने में कन्फ्यूज हो जाएगा कि इतना पैसा है इनके पास। अब एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूँ, ठीक है। एक इंसान है जो बीच में खड़ा है, उसके पास एक साइड धन दौलत, मतलब कि दोस्त वो अमीर बन सकता है, दूसरे साइड उसको जो है वक्त का इंतज़ार करना पड़ेगा। वो क्या करेगा, वक्त का इंतज़ार नहीं करते हैं बहुत सारे लोग और चल जाते हैं पैसे के पास। तो फाइनली क्या होगा दोस्तों, कुछ भी नहीं मिलेगा, ना ही पैसा मिलेगा ना ही टाइम मिलेगा दोस्तों, ये गिर जाएगा। क्यों, समय एक ऐसी चीज़ है जो बड़े बड़ों को गिरा देती है, और समय ही एक ऐसा चीज़ है, जब समय बदलता है तो हर पहिया चलने लगता है दोस्तों, हर पहिया चलने लगता है। अभी देख लो अंबानी जी क्या हुआ, मुकेश अंबानी जी बहुत बड़े आदमी है, लेकिन अनिल अंबानी जी क्या हुआ, छोटे आदमी बन गए आज के डेट में। क्यों, क्योंकि दोस्तों ये जो टाइम है ना, ये सबके पास आता है, आपके पास भी अगर टाइम आएगा, अगर आपके पास अगर अच्छा हैबिट है तो पैसे के पीछे मत भागो, अपना नॉलेज के पीछे भागो। अगर आपके पास नॉलेज है ना तो शेयर मार्केट में जितना पैसा कमाना चाहते हो ना कमा लोगे। शेयर मार्केट वाले लोग एक ही गलती करते हैं, वो क्या है गलती, जो उनको और गरीब बना देता है, ये गलती है कि दोस्तों अगर वो बैंक में फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं तो 1 साल में उनको 7% मिलता है, ठीक है। 1 साल में वो सब कुछ पैसा भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं, क्योंकि उनको पता है 1 साल बाद वो पैसा मिलने वाला है, तो आज सोचने से क्या फ़ायदा। लेकिन शेयर मार्केट में क्या करते हैं लोग, नहीं आज चाहिए यार, यार यार 2 दिन से पैसा लगा रहा हूँ, मज़ा नहीं आ रहा है। तुम मज़ा करने आए हो शेयर मार्केट में, ये शेयर मार्केट कोई छोटा मोटा खेल नहीं है। अगर तुम सही से खेलोगे शेयर मार्केट में तो तुमको बहुत अच्छा जो है वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अगर यही खेल तुम गलत तरीक़ों से खेलोगे, अगर तुम गलत तरीके से ये खेल खेलोगे तो हो सकता है कि तुमको बड़ा नुकसान हो जाए। तो इसीलिए दोस्तों टाइम एक ऐसी चीज है जो सब चीज को मात दे देती है। और ये चीज़ दोस्तों आज मैं आप लोगों के सामने एक वीडियो दिखाने जा रहा हूँ, और वो मैं YouTube से कॉपी करने जा रहा हूँ। हो सकता है कि मेरे YouTube चैनल पर कॉपीराइट आ जाए, लेकिन स्ट्राइक कुछ भी आ सकता है, लेकिन ये जो नॉलेज आपको मिलेगा ना, आज से आपका लाइफ चेंज कर सकता है, आज से करता है। देख लो मैं वीडियो दिखा देता हूँ। सोनू शर्मा नाम है YouTube चैनल का, ठीक है। 2.12 मिलियन है इनका, ठीक है। और ये देख लो कौन सा वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ, रिच वर्सेस पूर, ठीक है। रिच वर्सेस पूर यहाँ मैं दिखा रहा हूँ दोस्तों, क्वालिटी टू बी रिच और सक्सेस, ठीक है। तो ये वीडियो आपको पूरा देखना है अगर आपको अपना लाइफ चेंज करना है तो, कि क्या ये वीडियो में बताया जा रहा है। एक मिनट, थोड़ा सा वीडियो ज्यादा फास्ट हो जा रहा है, थोड़ा सा स्लो कर लेता हूँ। इट्स ओके। डिस्कस किया कि दोनों के दृष्टिकोण में जमीन और आसमान का फर्क है, और पहला दृष्टिकोण का जो फर्क है रिच आदमी का, वो बड़ा सिंपल सा ये है कि वो आज किए गए काम के बारे में ये सोचता है कि इसका काम का रिजल्ट 5 बरस के बाद क्या आएगा। वो कोई भी काम शुरू करने से पहले ये जरूर सोचता है कि जो मैं काम आज कर रहा हूं इसका रिजल्ट 3 बरस बाद, 4 बरस बाद, 5 बरस बाद कितना आएगा, यानी ये काम मुझे 10 साल के बाद क्या पैसा देगा, इसकी खोपड़ी में हमेशा ये रहता है। रिच लोग, तो देखो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो रिच लोग हैं दोस्तों उनके माइंड में एक ही चीज़ रहता है कि आज जो मैंने पैसा लगाया है वो 5 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद मुझे क्या देगा। क्यों, क्योंकि दोस्तों अगर हम किसी भी शेयर्स में पैसा लगाते हैं तो हम सोचते हैं अरे यार 2 दिन हो गया शेयर में बहुत ज़्यादा गिरावट हो रहा है, 2 साल से बहुत ज़्यादा गिरावट हो रहा है। लेकिन वॉरेन बफेट जी ने, अगर आप सच में चाहते हो कि वॉरेन बफेट जैसा पैसा कमाना शेयर मार्केट में, तो उनका ये जो हैबिट है ना आपको अपनाना पड़ेगा दोस्तों। वॉरेन बफेट जब भी किसी स्टॉक को खरीदते थे ना तो कम से कम तो 15 से 20 साल तक होल्ड करते थे, मिनिमम जो होल्डिंग टाइम था उनका, मिनिमम, मैक्सिमम का तो पता नहीं, छोड़ दीजिए दोस्तों वो उनका बात ही अलग है, लेकिन मिनिमम 15 से 20 साल तक वो किसी भी शेयर्स को होल्ड करते थे। क्यों, क्योंकि उनको पता है आने वाला जो दिन है ना, चाहे निफ्टी हो चाहे सेंसेक्स हो, वो गिरेगा नहीं, वो बढ़ेगा ही, क्योंकि आने वाला देखो 2-4 दिन में अप डाउन होते रहता है, उससे लेने वाला कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो लेकिन आने वाला जो दिन है ना उसमें बहुत अच्छा वेल्थ क्रिएट करेगा। अगर कुछ लोग ऐसे भी जो बोलते हैं हम भाई हमारे पास तो टाइम नहीं है, जब आपके पास टाइम ही नहीं है तो आप क्या कर सकते हो बताओ, अगर आप अपना टाइम इन्वेस्ट करोगे तो ही जाके आपको कुछ मिलेगा। अभी देखो किसी भी बच्चे को पढ़ाना हो तो उनको बोलते हैं भाई तुमको इंजीनियर बनना है, तो जो भी जितना पढ़ना है हर एक क्लास पढ़ ले, जब भी करना पढ़ ले, लेकिन क्या काम मिलता है उनको, फाइनली किसी कंपनी के अंडर में ही काम करते हैं, मतलब नौकरी मिलता है। नौकरी को एक, अगर पहले के ज़माने में नौकर भी बोला जाता था, ठीक है, वो वैसे हम नहीं बोल सकते, ठीक है। अगर उनको नौकर बनना है तो उनको जितना पढ़ाना है पढ़ा दो, जितना पैसा खर्च करना है कर दो, लेकिन अगर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है, इन्वेस्ट करना मतलब मैं इन्वेस्ट करूंगा और मुझे पैसा मिलेगा, मतलब एक मालिक की तरह, अगर तुमको एक मालिक बनना है, मतलब ऑनर अगर बनना है, तो कुछ भी मत करो, कुछ भी मत पढ़ो, कुछ भी इन्वेस्ट मत करो, ये क्या फिलॉसफी है। नौकर बनने पे हम 1000 रुपया खर्च करेंगे पढ़ने के लिए, और मालिक बनना है तो 1 भी रुपया खर्च नहीं करेंगे पढ़ने के लिए, ये तो गलत है। और वीडियो देख लो आप।
फिलॉसफी बड़ा सिंपल होता है कि उनका दिमाग पाइपलाइन बिल्डिंग करने में ज्यादा होता है वनस्पत की ये डिसाइड करने में कि आज मैं पैसे कैसे कमा लूं। ये लोग हमेशा ये सोचते हैं कि मैं जो काम शुरू किया हूं, ये जो मैं आज नया बिजनेस स्टार्ट किया हूं, ये मुझे 3 साल के बाद, 4 साल के बाद, 5 साल के बाद, 10 साल के बाद या 20 साल के बाद पैसा देगा या नहीं देगा। रिच लोगों की सिंपल फिलॉसफी है माय डियर फ्रेंड्स, दे डोंट बिलीव इन हार्ड वर्क, दे बिलीव इन स्मार्ट वर्क। ये लोग स्मार्ट वर्क में बिलीव कर। अब हार्डवर्क और स्मार्ट वर्क से क्या मतलब है? हार्डवर्क का मतलब होता है दोस्तों शेयर मार्केट में डेली इंट्राडे करना, फ्यूचर करना, ऑप्शन करना, मतलब मार्केट में डेली अपने आप को उलझाए रखना। और जो बाहर काम है, अपने घर को, द्वार को, जितना आजू बाजू है सब काम को छोड़ देना, उसको क्या बोलते हैं? हार्डवर्क। स्मार्ट वर्क क्या बोलते हैं दोस्तों? पैसा डाला, भूल जाओ। अरे समझ लो यार, तुमने फिक्स डिपॉजिट ही किया लेकिन अच्छे कंपनी में पैसा डालना, बस वो करो, उसको बोलते हैं स्मार्ट वर्क। एक बार पैसा डाला तो 5 साल, 10 साल, 15 साल बाद देखो आपको दोस्तों यही फिलॉसफी जो है अमीर बनाएगा और कुछ भी नहीं। हैं और पुअर पीपल की बिल्कुल सिंपल फिलॉसफी है, ये सुपर हार्ड वर्क में बिलीव करते हैं। दे विल वर्क बिलो द नेक। पुअर लोग हमेशा गर्दन से नीचे का हिस्सा इस्तेमाल पैसा कमाने में यकीन करते हैं। और बस 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 यही चीज हमें समझनी थी, जो गरीब लोग होते हैं वो गर्दन से नीचे वाला हिस्सा जो है इस्तेमाल करके पैसा कमाते हैं, और जो अमीर लोग होते हैं गर्दन से ऊपर वाला हिस्सा इस्तेमाल करके पैसा कमाते हैं। वो चीज क्या है दोस्तों? गर्दन के ऊपर वाला जो चीज होता है वो दिमाग होता है। वॉरेन बफेट जी ने क्या किया दोस्तों, 1 घंटे में वो जो है 5 से 6 घंटा टाइम जो इन्वेस्ट करते थे अपने दिमाग को बूस्ट देने में, अपने दिमाग को इंप्रूव करने में, अपने दिमाग को इंटेलिजेंटली से, मतलब हर तरीके से उनको अपने दिमाग को क्या करना है, बढ़ाना है, इसलिए वो 5 से 6 घंटा पढ़ाई करते थे, ठीक है। और गरीब आदमी दोस्तों जिनके पास 5 हज़ार, 10 हज़ार, 2-4 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए, यहां तक कि 50 लाख रुपए, वो क्या करता है पूरा अपना हाथ पांव का ताकत लगा देता है शेयर मार्केट में, नहीं अभी सेल करो इसको, अभी बाय करो, सेल करो, बाय करो, सेल करो। तो ये होता है हार्डवर्क और ये होता है स्मार्ट वर्क। तो गले के नीचे वाले पे हिस्से पे ज्यादा घमंड नहीं रखना चाहिए, गले के ऊपर वाले हिस्से पे ज्यादा घमंड रखना चाहिए। रईस लोग गर्दन से ऊपर का हिस्सा इस्तेमाल करने में पैसे कमाने में यकीन करते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अगर आप बात करें कुछ रिचेस्ट लोगों की फिलॉसफी की तो डिसाइड हो जाएगा कि उन लोगों का खोपड़ी में चल क्या रहा है। सबसे पहले मैं एग्जांपल देता हूं आज की डेट में, और वो एग्जांपल बार बार दिया जा चुका है, इतनी बार दिया जा चुका है कि वो दे देकर थक चुका हूं, लेकिन फिलॉसफी क्या आएगी। सबसे पहले रिच लोगों की फिलॉसफी ये है कि वो पाइपलाइन बिल्डिंग में दिमाग लगाते हैं। पाइपलाइन बिल्डिंग का मतलब कि जो मैं काम आज कर रहा हूं उसका पैसा 2 बरस के बाद कितना आएगा या 3 बरस के बाद कितना आएगा। एग्जांपल मैं बार बार देता हूं और वो एग्जांपल बड़ा सिंपल है, उस एग्जांपल का नाम है मिस्टर अदानी साहब। अदानी साहब ने अपनी पाइपलाइन बिछाई गैस की, है ना, अदानी साहब ने अपनी गैस की पाइपलाइन बिछाई, बहुत सारे लोगों के घरों में आ गई होगी और बहुत सारे लोगों के घरों में 6 महीने, 2 साल के अंदर आ जाएगी। मेरे घर में 2017 में पाइपलाइन आया, उससे पहले हम सिलेंडर उठाते थे, वो लाल रंग का एक वो सिलेंडर होता था, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान का, आपके घर में भी होता होगा ना, 14 किलो का सिलेंडर, वो माता जी बोलती थी बेटा अंदर रख दे, उसे फट जाता था हमारा, है ना। तो हमारे घर से 2017 में वो सिलेंडर हटा और क्या आ गया, वो पाइप है ना, उसमें हम वो नॉब खोलते हैं और निकल के गैस आ जाते हैं, हम लोग चलाते हैं, इस्तेमाल करते हैं। 2017 में अगर मेरे घर में गैस आया, लेकिन 2017 में ही अदानी के दिमाग में ये नहीं आया होगा, हो सकता है अदानी के दिमाग में पाइपलाइन का विचार 5 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल पहले आया हो, यानी 2017 में अगर मेरे घर में आया होगा तो उसकी पढ़ाई हो सकता है 2010 में की हो उसने, या 2011 में की हो, या 2012 में किया हो। मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ, यानी जो जो प्रोडक्ट उसने डिलीवर किया मुझको 2017 में, उसकी प्लानिंग हो सकता है 10 बरस पहले उसने कहीं ना कहीं करी होगी, उसकी मेहनत 10 साल पहले उसने कहीं करी होगी, गड्ढा खोदा होगा, गवर्नमेंट से सेटिंग करी होगी, गैस खरीदा होगा, उसको रिफाइनरी का दिमाग लगाया होगा, पाइपलाइन बिछाया होगा, एक प्रोसेस है, 5 साल, 7 साल, 10 साल उसने मेहनत किया होगा। और उस 5 साल, 7 साल, 10 साल के प्रोसेस में एक बात और तय है कि उसने उस प्रोसेस में पैसे नहीं कमाए होंगे, हेलो, उसने उस प्रोसेस में अर्निंग नहीं किया होगा ना, सिर्फ एफर्ट लगे होंगे, पैसा लगा होगा और टाइम लगा होगा, तीन चीजें लगी होंगी, एफर्ट, पैसा और टाइम। और रेवेन्यू क्या होगा उस प्रोसेस का? जीरो, है ना। और इस प्रोसेस को करने के बाद, 7-8 साल लगाने के बाद, 1,00,000, 2,000,000, 5 करोड़, 1,00,000 रुपए लगने के बाद, कुछ समय बिताने के बाद, आज अगर 2017 में मेरे घर में पाइपलाइन आया तो मेरे से वो डिमांड क्या करता है, महीने के 600, 700, 800 रुपए, दैट्स इट। आपके घर में अगर पाइपलाइन होगा ना तो उसका बिल इतना ही आता होगा यार, 600, 700, 800 रुपीज मैक्सिमम, यही कॉस्ट है ना। यानी वो इतनी 10 साल की मेहनत, अरबों खरबों रुपए का इन्वेस्टमेंट, दुनिया भर के एफर्ट्स करने के बाद मेरे से क्या मांगा, महीने का आप दे दो भैया हमको 800 रुपए। और यहां पर देखो दोस्तों,
उन्होंने 10 साल तक इन्वेस्टमेंट किया, अरबों खरबों रुपया जो इन्वेस्ट किया, लेकिन मांगा क्या आपसे, ओनली 700, ठीक है 700-800 रुपया मांगा। लेकिन आज के डेट में अगर हम शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें कल ही चाहिए होता। अगर मान लीजिए मैंने कम, जो छोटे से छोटे लोग हैं 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करते हैं, उनको कल ही चाहिए होता 5,000 रुपया, 10,000 रुपया, 50,000 रुपया, ठीक है कल ही चाहिए होता, कल नहीं सही तो परसों तो जरूर चाहिए होता। और देखो एक सप्ताह के अंदर जो है वो अपना पैसा 1 लाख से 5,000 रुपये आ जाते हैं, मतलब पूरा पैसा डुबा देते हैं। तो यही होता है दोस्तों रिच लोगों का फिलॉसफी और पुअर लोगों का फिलॉसफी, अब आपके ऊपर डिपेंड है आपको क्या चाहिए, आपको पैसा चाहिए लालच करना है या आपको अपना ह्यूमन असेट मतलब कि अपने माइंड को इंक्रीज करना है। देखो दोस्तों अगर एक बार आपके पास बुद्धि आ गया ना, एक बार आपको नॉलेज आ गया ना, तो आप दुनिया को जीत लोगे और इतना बड़ा इंसान बन जाओगे जो पूरे पहले नहीं बन सके। जितना भी आप ताकत लगा सकते हो तो लगाओ और जितना नॉलेज लेना है लो दोस्तों। जैसे वॉरेन बफेट जी, अगर आप चाहते हो वॉरेन बफेट जैसे बनना, तो उन्होंने क्या किया, बुक्स पढ़े, उन्होंने क्या किया पेशेंस रखा मार्केट में। हम तो आज पैसा लगाएं कल ही चाहिए, भाई हमें कल यार मजा नहीं आ रहा मार्केट में, यार 1 सप्ताह हो गया मैंने कुछ कमाया नहीं। 1 सप्ताह हो गया तुमने उस 1 लाख रुपया को, अगर एक अगर तुम फिक्स डिपॉजिट करवा दो तो 1 साल में आता है, वो भी कितना 7% आता है। सोचो फर्क बस यही है कि आपको पेशेंस रखना है, अच्छी तरीके से काम करना है। देखो काम 2 तरीके से होते हैं, एक होता है अच्छा काम, एक होता है गलत काम। अगर गलत काम से कोई भी चीज़ करो तो वो जल्दी हो जाती है, अच्छे काम से करो तो लेट से होती है। लेकिन फिर भी अगर गलत काम से किया है तो उसमें आपको ज़रूर कुछ ना कुछ नुकसान होगा, अगर अच्छे काम से किया तो अभी नहीं तो हो सकता बाद में जाकर आपको ज़रूर एक मीठा सा फल मिलेगा। तो मैं चाहता हूं कि आप ये वीडियो को पूरा देखिए और पूरा समझे। देखो मैं आपको YouTube चैनल दिखा दिया सोनू शर्मा, कौन सा वीडियो आपको सर्च मारना है, रिच वर्सेस पुअर, ठीक है क्वालिटी टू बी रिच, यहां पर देख लो, ये वीडियो को पूरा देख लो, आपका दिमाग चकरा जाएगा क्या ऐसा भी हो सकता है। और ये चीज़ तो दोस्तों आपका लाइफ बदल के रख देगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो कल से आप वीडियो मत देखो, बुक पढ़ना स्टार्ट कर दो। देखो ठीक है मैं कम से कम 1 सप्ताह से एक ही वीडियो पर फोकस कर रहा हूँ, IRCTC। मैं डेली बोल रहा हूँ दोस्तों IRCTC को खरीदो 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 खरीदो, हर एक मोमेंट पे मैंने बोला खरीदो खरीदो, ठीक है तो खरीदे, कुछ लोग खरीदे कुछ को प्रॉफिट हुआ, ठीक है। लेकिन अब देखिए मैंने एक वीडियो बनाया था और आप बोला था IRCTC को खरीदो, और ये जो है मैं अपना कॉमेंट्स दिखा रहा हूँ, ठीक है यहाँ पर। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ, एक बंदे ने मुझे बताया है, यहाँ पर देख लो, यहाँ पर बताया गया है कि इन्होंने जो है मैंने 1,100 पर जो है 12 क्वांटिटी लिया है, 1,200 रुपये प्रॉफिट हुआ, अब सोच रहा हूँ कि ज़्यादा क्यों नहीं खरीदा। चलिए कोई बात नहीं भाई जी, आपने जो खरीदा वो सही है, ठीक है। तो इन्होंने जो है 1,100 रुपीज़ पर खरीदा 12 क्वांटिटी, तो उनको 1,000 के अराउंड जो प्रॉफिट हुआ, ठीक है। इन्होंने बोला थैंक्स, ठीक है इन्होंने बोला गुड। अब ये बोलते हैं कि भाई घंटा, उनके नीचे एक कॉमेंट आता है कि थैंक्स 10,000 का प्रॉफिट, मतलब इनको जो है 10,000 का प्रॉफिट। अब मैं एक ही वीडियो बनाया, एक वीडियो में कुछ लोगों को प्रॉफिट हुआ और कुछ लोग बोल रहे हैं घंटा। अब ये भाई से बोलना चाहते हैं कि घंटा का मतलब इनको लॉस हुआ होगा, लॉस हुआ होगा या इनको प्रॉफिट नहीं हुआ, दो ही बात है, या तो लॉस हुआ होगा या तो प्रॉफिट नहीं हुआ होगा, ठीक है। अब कैसे हो सकता है कि मैंने एक ही टाइम में वीडियो अपलोड किया और सब लोगों के लिए एक ही वीडियो था, मतलब कि जो भी मैंने बताया सब सेम था, इनको कैसे 10,000 प्रॉफिट हो गया, इनको कैसे जो है 1,200 रुपीज़ प्रॉफिट हो गया इनको घंटा। तो ये आपके हाथ में है कि देखो हवा सबके लिए बराबर चल रही है, अब आपको पता करना है कि आप अपने नाव को कैसे हैंडल करते हो, आपके हाथ में आपका नाव है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने नाव को कैसे हैंडल करते हो, क्योंकि हवा तो सबके लिए एक चल रहा है। तो ये होता है शेयर मार्केट का फिलॉसफी, आप अपने विजन को देखने का नजरिया जो है उसको चेंज करो। देखो हम नहीं चाहते कि किसी को किसी तरह से लॉस हो जाए, हमारे तरफ से जो है 100% एबिलिटी यूज़ किया जाता है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कभी कुछ हमारे से भी गलती हो जाती है, क्योंकि हम भी 100% नहीं है मार्केट में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके इंक्रीज कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे आने वाला वीडियो आपसे मिस नहीं हो पाएगा। और एक इंपॉर्टेंट थिंग, आज मार्केट बहुत ज़्यादा गिरा है लेकिन लॉस हुआ है, सभी लोगों को लॉस नहीं हुआ, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको प्रॉफिट में देखा जा रहा है। दोस्तों आज के डेट में भी अगर मेरा पोर्टफोलियो देखो, प्रॉफिट जरूर कम हुआ है लेकिन लॉस नहीं हुआ, मतलब कि मेरा पोर्टफोलियो अभी भी नेगेटिव नहीं है। वो इस वजह से क्योंकि मैंने दोस्तों कुछ ऐसे स्टॉक हैं जो मैंने 2 साल 3 साल साल भर से मैंने वेट कर रखा है, होल्ड कर रखा है, क्योंकि वो होता है पेशेंस का पावर। और बहुत लोग ऐसे हैं जिनके पोर्टफोलियो में सारा स्टॉक जो है नेगेटिव से भरा हुआ। तो यही है तरीका कि आपने 2-4 दिन या 10 मान लीजिए 2-4 महीने से भी अगर आप होल्ड किए हो तो आपको लॉस होगा, क्योंकि दोस्तों लंबा चलना है आपको। और एक देखो हमारे यहाँ से सर्विस भी दिया जाता है, डेली वीडियो अपलोड मार के बता दिया जाता है कि कौन सा स्टॉक का प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज होने वाला है। तो अगर आप हमारे यहाँ ज्वाइन होना चाहते हो तो दोस्तों ज्वाइन होने के लिए ये जो नंबर है ये व्हाट्सअप का परमानेंट नंबर है, और ये जो नंबर है ये कॉन्टैक्ट नंबर है, इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। परफेक्ट व्यू ऑफ मार्केट, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, जिससे आने वाला वीडियो आपसे मिस नहीं हो पाएगा। और एक बात दोस्तों, अगर आपको वीडियो
अच्छा लगा तो प्लीज़ एक कमेंट कर दीजिएगा, जिनसे आने वाले जो लोग हैं उनको भी थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ सीख मिल जाए।